देख रहे हो नन्ना बदमाश क्या करता भाई तू इसका। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा भैया, क्या ये अब रिपेयर हो जाएगा? तो आज फाइनली द वीडियो इज हियर, जिसके लिए आप सब लोगों ने, मैं एक्चुअली बोलूंगा, डंडा दे रखा था कि भैया एक चीज करा लो, कुछ मॉडिफिकेशन कराने से पहले सबसे पहले अपना शीशा बदलवा लो। इतना डंडा दिया हुआ था भाई अपनी टीम तक यार ने, सीरियसली। और आज हम वो चीज फाइनली करने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपकी सुनते हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट आया कि भैया टूटे हुए शीशा घर में रखना अच्छी बात नहीं होती। तो वो भी एक रीजन है कि हम जल्दी से इसको करवा रहे हैं, और साहिल से मिलने की बहुत डिमांड आ रही थी। तो भाई आज साहिल भी आ गया है, अजीब सी अपनी दाढ़ी लेके, आमिर खान वाली। भाई ये फैशन दिल चाहता है ये बात खत्म हो गया था, ये अब नहीं है। उत्सव साहिल मैं क्या कहता हूँ वैसे कि भाई शीशा बदलवाना है तो थोड़ा सा क्रेजी वीडियो बनाए, क्यों ना इस शीशे के साथ, हमारा ऑलरेडी पहले ही टूटा तो हुआ ही है, कुछ क्रेजी करें कि भाई थंबनेल टाइटल तो बढ़िया आ जाए, हमारी भी क्या पता वीडियो भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायरल हो जाए। तो देखते हैं कुछ क्रेजी करेंगे गाइस, मेरा तो मैंने साहिल को उठा के फेंक देंगे शीशे पे। ऐसा कुछ करेंगे, बट लेट सी, वी आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट प्लेस की शीशा कहाँ से डलवाए। कंपनी मैंने पता किया था, वो ऑन ऑर्डर बोल रहे थे कि भैया जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके बाद हम एक वीक में मंगा के दे देंगे और ये वो। आई थिंक हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा, एंड लेट्स लुक फॉर द बेस्ट प्लेस शीशा बदलवाने के लिए, क्योंकि ये काम ऐसी ये चीज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, सारी जो विंड आती है वो इसी ने रिफ्लेक्ट करनी है, एंड इसमें अगर एरर हो गया फ्रंट शीशा बदलने में तो भाई अंदर लीकेज आ सकती है, बारिशों में पानी आ सकता है, 10 दिक्कतें हो सकती हैं। तो किसी प्रोफेशनल से ही ये इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, वो देखते हैं, ढूंढ रहे हैं, द हंट इज गोइंग ऑन। ए फ्यू मोमेंट्स later. So guys, we have finally chosen windshield experts. जितने भी मेरे दोस्तों से बात हुई, भाई ये कंपनी में नहीं हो पा रहा, कहाँ से शीशा चेंज कराएं, सबने रेकमेंड किया windshield experts ही। So our car is here. सब एक बार कैबिन में चलके सारी डिटेल्स पता कर लें और एक बार देख लें भाई what's the damage, शीशा है कितने का, ये भी तो जाने। So guys, हमारे साथ है अविनाश भाई इधर windshield expert से, और भैया सबसे पहले तो यू डोंट माइंड अस व्लॉगिंग हियर राइट? और आप कैमरा शायद तो नहीं होना भाई? नो इशू। ये कई बार हम व्लॉग कर रहे थे, मुझे खुद पहले, मैं इतना कैमरा शायद था, तो मैंने कहा एक बार सबसे पूछ लेना अच्छा रहता है। सो अविनाश भाई, हमारी इंडिया में टूट गया शीशा, एंड जितने भी मेरे दोस्तों से पूछा दे टोल्ड मी कि भाई बेस्ट आप लोग हो। सो आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड मेरे को एक बार शीशा चेंज करवाना थी गाड़ी का, तो आप बताओ कैसे करना है। तो सर आपको हमारे पास दो टाइप में होते हैं, तो कैश के थ्रू भी रिप्लेसमेंट होता है और इंश्योरेंस के थ्रू भी रिप्लेसमेंट होता है। ओके, मैं एक बार गाड़ी चेक करना चाहता हूँ सर कि ये रिपेयर पॉसिबल है या रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। टूटा हुआ शीशा रिपेयर हो जाए? यस सर। पहली बार सुन रहा शीशा रिपेयर उत्सव, तेरे को पता था? गाइस शीशा रिपेयर भी ज्यादा टूटा, वो सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है। तो भैया जल्दी से देख लेते हैं। भैया मेरे हिसाब से तो डैमेज बहुत ही ज्यादा है, ड्राइवर एरिया में भी है तो ये रिपेयरेबल पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, जो हमारा मैं भी यही चाहता था ग्लास चेंज हो, तो सर ये आप कैसे कराना चाहते हैं? इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं है, इसी दिन के लिए तो बंदा इंश्योरेंस कराता है। राइट सर, राइट सर, मतलब इंश्योरेंस के भी पैसे दे, टूटी हुई चीज के भी पैसे दे, तो हम आप लोगों को भी साथ में दिखाते हैं कि भाई गाड़ी का शीशा, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा भाई, जिसका शीशा टूटा हुआ और कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं, ओरिजिनल ग्लास लगाते नहीं लगाते, और फास्टैग वगैरह जो गाड़ी पे स्टिकर्स होते हैं ये दूसरे शीशे पे ट्रांसफर होते हैं नहीं होते, ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे आज के वीडियो में। अगर क्लेम लेते हैं तो भैया थोड़े से और फैंसी वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वगैरह कोई नहीं भैया, सही बात है, अच्छी चीज है। अगर ऑनलाइन क्लेम एकदम से पास हो जा रहा है तो उस बंदे को ये टेंशन हो गया, पहले सर्वेयर आएगा फिर क्लेम पास होगा। हम आपका डॉक्यूमेंट्स और फोटोज ऑनलाइन अपलोड कर देंगे और फिर वहाँ से हमें अप्रूवल मिल जाता है। आपको चार डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, RC, इंश्योरेंस कॉपी, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक पैन कार्ड। हाँ, तो बेसिकली कोई भी क्लेम लेने में चीज होगी। 10 मिनट दीजिए मुझे सर, मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस करा देता हूँ ठीक, और फिर उसके बाद अप्रूवल आते ही मैं आपका ग्लास चेंज करा दूंगा। प्लीज
जो आप शीशा लगाते हो वो OEM होता है या फिर आफ्टर मार्केट भी शीशा लगाते हो? नो सर, हम सारे जो भी ग्लास यूज करते हैं सारा OEM पार्टी यूज करते हैं। ओके, दैट इज ग्रेट। यही वरी थी मेरी, आई एम श्योर जिसका शीशा टूटा होगा उसको ये वरी की कंपनी की चीज लगी होगी। राइट, ग्लास का 1 ईयर का वारंटी भी देंगे। ओके, ग्लास की वारंटी? हां, उस पे आपको कोई रीजन नहीं है दिखने में दिक्कत आ रही हो या लीकेज का कुछ इशू फेस कर रहे हो तो अंडर वारंटी होता है सर 1 ईयर का। दैट इज अमेजिंग। पिछले एक क्वेश्चन, AI सब्सिडरी है तो हमारा खुद का ही AI ग्लास बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, और वही OEM को लेवल OEM के ऊपर। अंडरस्टूड। इसमें टोटल टाइम कितना लग जाता है? ग्लास रिप्लेसमेंट के बाद 2 आवर्स का क्यूरिंग टाइम हम रखते हैं। ओके, मतलब 2 घंटे तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। यस सर। रिप्लेसमेंट प्रोसेस कितनी देर का? रिप्लेसमेंट प्रोसेस का 40 मिनट्स लगते हैं। ओके ओके। विंडशील्ड रिप्लेसमेंट के साथ वाइपर भी रिप्लेसमेंट करते हैं। कार सैनिटाइजेशन होता है। ओके, बैटरी रिप्लेसमेंट होती है सर, और हम फास्टैग भी लगाते हैं सर। फास्टैग भी आप लगा देना, अनमोल लिंक भी आप सारा करवा दो। हां, वो मैं लिंक करा दूंगा, इंस्टेंट सर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से स्टिकर लगा आता है इस पे गाड़ी का नंबर। हां, वो मैं रिमूव करके आपको नई शीशे पे ट्रांसफर कर सकता हूं। ओके, फास्टैग में आपको सर 300 रुपीज का है। ठीक है, जिसमें 200 रुपीज आपके वॉलेट में आ जाएगा, 100 रुपीज सर रीइश्यू का चार्ज है सर। नो प्रॉब्लम, आप वो कर देना और ये सैनिटाइजेशन करवा देना। तो सर आपका इंश्योरेंस मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये आपका जो कैशलेस है और जीरो डेट पॉलिसी है। ओके, तो इसमें एक होता है सर कंपलसरी चार्ज। हमारा अप्रूवल आ चुका है इस टूटे हुए शीशे का, और अब टाइम आ गया इसको और तोड़ने का। उत्सव निकाल भाई, बल्ला निकाल गाड़ी से, शीशा फोड़े पूरा। एंड भाई गाड़ी से तो देखो हम प्यार करते ही हैं, ये क्रेजीनेस है हम कर रहे हो, इसलिए हम अंदर पूरा कपड़ा बिछवा रहे हैं, सो दैट इन केस अगर शार्ट्स अंदर आए तो हमारी गाड़ी को डैमेज ना करे और अंदर कांच कांच ना हो जाए। वैसे तो लैमिनेटेड ग्लास है, होगा नहीं ऐसा। निकाल बल्ला भाई, क्या हो गया, देख रहे हो नन्ना बदमाश, क्या करता भाई तू इसका? मेरी गाड़ी नहीं है, गलत चीज है ये, रखा तूने, ये गलत चीज है, और तू भी लेके जाता है इस गाड़ी को, गलत चीज है गाइस, ये मत रखा करो ये चीजें यार, हम तो बेसबॉल प्लेयर हैं यार। सोचा था उससे बहुत ज्यादा मजबूत शीशा अपनी बोर्ड का, पूरा दम लग रहा था भाई, बड़ी मेहनत से कमाई है और इतने दिल पे पत्थर पड़े ना ये करते हुए, अभी तक किस्तें जा रही है इसकी। भाई जरा हमारे शीशे की हालत देख सकते हो, पूरा चकनाचूर हो चुका है, और लास्ट वाला जो था वो एक ही जगह बार बार पड़ पड़ के इतना अंदर हो गया कि पूरा अंदर शीशा चला गया, एंड थैंकफुली हमने कपड़ा लगाया था अंदर। पर भाई सही बताऊँ आप लोगों को, थोड़ा मज़ा तो आया करने में, कुछ क्रेजी करने में हमेशा मज़ा आता है। एंड भाई थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू आप सबको भी, आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिखाया कि मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब हमारी 2.5 लाख फैमिली हो जाएगी और मैं ऐसी क्रेजी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी मोनोटोनस बिजनेस लाइफ को बहुत ही क्रेजी बना दी यूट्यूब। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा भैया, क्या ये अब रिपेयर हो जाएगा? पूरा टूट चुका है गाइस, और अभी छूना भी नहीं चाहिए इसको, हाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, चलो भैया सैनिटाइज कर दो और फिर उसके बाद शीशा चेंज करेंगे गाइस। गाइस ग्लास चेंज करने के लिए हमारा डैश कैम भी निकलेगा, एंड हमारे जो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं इसका सेंसर भी निकलेगा, जो कि अभी भैया निकालने वाले हैं। तो इतना भी आसान नहीं है शीशा चेंज करना कि बस उतारा, लगा दिया, चिपका दिया, ऐसी 10 चीजें उतरती हैं। देखो भैया बता रहे हैं कि नए शीशे में भी ये जो पैटर्न है यहाँ पर, ये थोड़ा सा धूप से बचने के लिए होता है कि आंखों में धूप ना पड़े, और नए शीशे में भी ये पैटर्न होगा सेम। गाइस शीशा हट चुका है हमारा, और हमारी गाड़ी में अब ऊपर तो सनरूफ था ही है, तो आगे इसको पता नहीं क्या ही बोलेंगे। सब थोड़े टाइम ऐसे ही चलाएं गाड़ी, वैसे ही सर्दियां इतनी हो रखी हैं। सो ये पुराने शीशे का सारा सीलेंट है, और इसको भी हटाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत ग्लास भी है, तो भैया अभी इसको हटाएंगे और उसके बाद जो नया शीशा डलेगा उससे पहले सीलेंट भी फ्रेश डलेगा। ये उतर गया, तो अभी भैया हमारी गाड़ी का फ्रेम चेक करें सारा चारों तरफ से। और ये क्यों करते हैं वैसे भैया चेक? ये सर रस्ट के लिए चेक करते हैं, कि कोई रस्ट हो तो फिर उसका अलग ट्रीट करते हैं। ओके, फिर प्राइमर लगाते हैं। फिर अच्छा, अगर आपकी गाड़ी तो नहीं है बिल्कुल, तो इसमें रस्ट नहीं है। हाँ, देख पा रहे हैं। हाँ, तो ये रस्ट
चेक करके उसके बाद हम ग्लास चेक करेंगे आपको। तो एक बार मेरे को शीशा तो दिखा दो भैया, एक बार शीशे की क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये रहा अपना पुराना शीशा और पूरी हालत में, एज यू कैन सी बहुत बैड पड़े हैं बेचारे को। एंड दिस इज द सेंसर ओवर हियर, ये जब भी बारिश होती है तो ये सेंस करता है और वाइपर चला देता है। और ये रहा अपना ब्रांड न्यू शीशा फाइनली भाई, ये सिर्फ अपनी टीम टकियार के कहने पे जल्दी हुआ है, नहीं तो ये काम टलता जा रहा था। एंड थैंक यू सीरियसली, आप लोगों ने इतना कमेंट सेक्शन में फोर्स करा कि हमने फाइनली करा ही दिया है। हमारा नया शीशा बाहर आ चुका है, जो हमने उतारा है उसके जितनी ही विड्थ है इसकी भी, और ये भी लैमिनेटेड है। हाँ, क्या दिख ही रहा है, दिस इज लैमिनेटेड गाइज, आई डोंट नो कैमरा पे दिख रहा हो या नहीं। शीशा पास है हमारा और अब इसको इंस्टॉल करेंगे गाड़ी पे। तो अभी भैया इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे नए शीशे पे हमारा सेंसर, और एज यू कैन सी ओवर हियर भाई ऑलमोस्ट हर गाड़ी के हर साइज़ के ऑलरेडी शीशे इन स्टॉक हैं, विच इज़ रियली नाइस। हमारे भी गाड़ी का इन स्टॉक था, नहीं तो कई बार होता है कि मंगाओ उसमें टाइम वेस्ट, सब कुछ इन स्टॉक ही था। तो अभी भैया इस पर सारा ये यूरेथ्रिन एडेसिव लगा रहे हैं और इससे ही शीशा स्टिक होता है और बिल्कुल सील्ड हो जाता है। भाई अब लग रही है गाड़ी और भी ज्यादा सेक्सी विद द न्यू रिम्स, न्यू लाइट्स एंड द न्यू विंडस्क्रीन। लो भाई कर दी आप लोगों की तमन्ना पूरी, अब आप लोग नहीं भर सकते कमेंट सेक्शन में विंडस्क्रीन चेंज करा लो। सो गाइस एज यू कैन सी नया शीशा लग चुका है एंड फिटिंग इज फिनोमिनल, ऐसा लग रहा है कंपनी से ही शीशा लग के आया हो, आज तक कभी बदला ना गया हो। यहाँ पर AIS का मार्क भी है, तो भाई लेजिट चीज है, मतलब मेरे को सीरियसली पता भी नहीं चल रहा कि शीशा बदल भी गया है यहाँ पर। हाँ जी भैया क्या लाए हो? आप सेटिस्फाई हैं तो ये जॉब। अच्छा जॉब कार्ड सर, एक यहाँ पे साइन कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है भैया। तो सर ये फास्टर एक्टिवेट हो गया आपकी बिल्डिंग में, तो कैमरा है मैं इस साइड लगवा देता हूँ सर। आप इस नंबर पे कॉल करके डोर टू डोर सर्विसेज भी ले सकते हो। तो सर ये आपका बिल है, ग्लास जो रिप्लेसमेंट हुआ है उस पे 24 आवर्स का एक प्रिक्वेशन है कि आपको जो रखना है, तो बेसिकली ये डूज एंड डोंट्स है, वॉश नहीं कराना है 24 आवर्स तक आपको, और रेन अगर होता है तो ड्राइव नहीं करना है उस कंडीशन। ओके ठीक है सर। और इसी बिल से हमें वारंटी वगैरह, 1 ईयर का बिल प्लस वारंटी कार्ड है सर आपके, तो ये आपका वारंटी कार्ड है बिल है इसलिए आपको वारंटी कवर होगा। सर आपको ये सर्विस कैसी लगी सर? ये मेरे को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ, देख के लगा ही नहीं कि शीशा बदल गया, पता ही नहीं चला, और जैसे ही एंडेवर शोरूम से निकाली थी ना वैसे ही होगी। बिल्कुल। तो सर आपको हमारा सर्विस अच्छा लगा तो हमारे व्हाट्सएप पे आपके पास रेटिंग की भी ऑप्शन आया होगा, उसके आप जरूर रेट शोर शोर शोर। इस शीशा की दिक्कत तो मैंने एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक इग्नोर करा, अभी भैया मुझे बताया थे फ्रंट शीशा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने गलती करी इतना टाइम इसको इग्नोर करके। एंड भैया ये बताया थे जो गाड़ी की स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ होती है उसका 40% पार्ट फ्रंट विंडस्क्रीन होती है। सो गाइस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, टूटे हुए शीशे से मत चलाओ भाई, मुझे भी ये चीज सीरियसली नहीं पता थी, मैं इग्नोर कर रहा था इतने टाइम से, बट थैंक्स टू भाई AIS विंडशील्ड एक्सपर्ट्स फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग सर्विस, नॉलेज आल्सो, स्टाफ इज आल्सो अमेजिंग, द वर्क इज आल्सो अमेजिंग, एंड जो टेक्नीशियंस हैं दे आर आल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड, और इक्विपमेंट भी बहुत ही हाई टेक है एंड सेफ एनवायरनमेंट है सबसे मेन पॉइंट। तभी तो सर हमारे 1 मिलियन कस्टमर हमारे साथ जुड़े हो गए। सीरियसली 1 मिलियन कस्टमर? यस सर। एंड थैंक यू विराज भाई, सीरियसली सैटिस्फाइड विद एवरीथिंग, हिज हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग, एंड मेरे व्लॉग्स वगैरह भी भाई को दिखाए तो भाई ने कहा सीरियसली भैया मिठाई मंगवाई कि शीशा आपका आज बन रहा है 1.5 महीने बाद तो मिठाई खाओ। बट एनीवे गाइस बहुत मजा आया अभी आपसे मिल गया, और अब चलते हैं हमारी गाड़ी के। भाई सैटिस्फाइड? सब लोग खुश? अब और कमेंट मत करना, शीशा नया डलवा लो, शीशा डल चुका है, लाइट्स डल चुकी हैं, रिम्स डल चुके हैं, अब बस रैप रहता है, एक तो मॉड जो है अभी सारे सरप्राइजेस नहीं खोलूंगा, और उसके अलावा सर्विस भी अभी 1,000 किलोमीटर और बचे हमारी गाड़ी है, 49,000 चलिए 50,000 सर्विस करेंगे, तो मतलब एंडेवर सीरीज अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रही है ना, एंड नो आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप लोगों को बहुत मजा आया, जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड एंजॉय द सीरीज।